स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। प्रबंधक कमलाकांत सिंह ने जिस सपने के साथ स्कूल की स्थापना की वो आज साकार हो रहा है। स्कूल के छात्र IIT, मेडिकल और इंजीनियरिंग में ऊंचा मकाम हासिल कर रहे हैं। पिछले कई सालों से 100% रिजल्ट और छात्रों के बेहतर भविष्य का बस एक ही नाम, राज मोंटेसरी इंटर कॉलेज, सिसौड़ा, सेमरी, सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेठी में शिवरतनगंज थाने के सिमरौता गांव में रहने वाले संतोष कुमार का आरोप है कि पड़ोसियों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया, जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया तो वहीं बच्चे और पत्नी घायल हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को थाने से भगा दिया। बहराइच में थाना रामगांव के गाँव फतेहपुरवा और बढ़ई बघिया और थाना हरदी में गांव लनुनियान पुरवा में पुलिस ने दबिश देते हुए 1000 किलोग्राम लहन नष्ट कराया। इसी के साथ पुलिस ने 85 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। प्रतापगढ़ में निजी नर्सिंग होम राजगंगा में इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत से परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया। वहीं परिजनों का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर उनसे बदतमीजी भी कर रही थी। बलरामपुर में थाना रेहरा बाजार पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। बलरामपुर में थाना तुलसीपुर पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये चोर काफी अरसे से फरार थे और अब आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के ननोरा गांव में रहने वाले एक परिवार ने गांव के ही एक नौजवान पर लव जिहाद का मामला दर्ज कराया है। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय उनकी बेटी से 10 दिनों तक थाने में झाड़ू पोछा लगवाया। बरेली में तांत्रिक सैयद निजाम को पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं तांत्रिक ने अपने इकबालिया बयान में कबूल किया है कि वो पैसे लेकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबरें फेसबुक पर देख रहे थे उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।